अरे मैं इसे नहीं, ये हमें यहाँ लाया है। मतलब वो जाने दो, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है ना, 5 दिन तुम कोऑपरेट करोगी, मैं जो कहूंगी बिना नानुकुर किए करोगी। देखो अब हम हॉलिडे पे आए हैं, हॉलिडे मतलब रोमांस। अरे मेरे साथ नहीं करना, आलोक के साथ करना है, याद है ना। सुनो देखो, अब सब लोग स्विमिंग पूल जाएंगे, तुम भी आ जाना। आलोक वैसे ही स्विमिंग कर रहे होंगे, तो तुम्हें मौका देख कर हिसल के आलोक की बाहों में जाना है। छप्पा What? अब जाइए ना। आलिया मैं ये सब नहीं करने वाली। ना नहीं कह सकती तुम, साइन किया है। ओ प्लीज आलिया, कॉपरेट करने की भी एक हद होती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी कहोगी मैं हर चीज करूंगी। ओके तारा, नहीं नहीं तुमने साइन किया, देखो देखो तुमने साइन किया, no, देखो तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। तारा तुमने साइन किया, यहां भी मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर रही है। तुम चाहे जितना नो बोल लो, अब देखो मैं क्या करती हूं। ए शालिनी ने पक्का कहा था ना कि वो तारा को लेके आएगी। हाँ बाबा, तो कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं। अरे आती होगी, पूल का पानी सूखने के बाद आएगी। चल 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 चल। शालिनी इधर आना, आओ ना कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। अरे अरे तारा जी गिर गई। ये तुम्हारा ही प्लान था। मटोना, हेलो मटोना, तुमसे कहा था ना कि तुम अपना सारा सामान लेके जाओ, लेकिन नहीं तुम हमारी सुनती कहाँ हो। पर मम्मी जी मैं अपना सारा सामान लेकर आई हूँ, मेरा सिर्फ हेड ड्रायर छूटा है। तुम्हारे बाल की नहीं, तुम्हारे बाल गणेश की बात कर रहे। अरे दौड़ा दौड़ा के मिल्खा बना दिया इसने हमको। तो हमने अरे तो क्या, अरे तुमको इतना दौड़ाता कम से कम तुम पतली तो हो जाती। हम कह रहे रुक जाओ, सुन नहीं रहा है, बताओ रुक जाओ, फौरन इधर आओ। तो आ गए। अरे तुम नहीं रो। मम्मी जी मेरे रोहन से बात कराइए ना। हाँ इधर आओ, अपनी मम्मी से बात करो, इधर आओ। मम्मा रोहन, आप क्यों नानी दादी को परेशान कर रहे हो, दूध पी लो ना। नहीं पीना, जब आप आओगे तभी मैं पीऊंगा। अरे आलिया समझाओ अपने लड़के को, दूध ही नहीं पी रहा। रोहन देखो मम्मी फोन पे आ गई ना, चलो दूध पी लो। नहीं रोहन, मैडम पानी। थैंक यू। ठीक है मत पियो दूध, फिर तो रोहन ही आज हारेगा कंपटीशन। कंपटीशन? हाँ मम्मी भी यहाँ दूध पी रही है और मुझे पता है कि मैं आपसे जल्दी पी लूंगी। नहीं मैं आपसे जल्दी पीऊंगा। अच्छा चलो देखते हैं। मम्मा मैं दूध फिनिश कर लिया। ओह नो, आज फिर रोहन मुझसे कंपटीशन में जीत गया। यस ठीक है, अब आप जब सोने जाओगे ना तब मम्मी आपको वीडियो कॉल करके स्टोरी सुनाएगी। ठीक है? ओके मम्मा। ओके गुड नाइट, बाय। चलो घर तो सेट है, अब बस घर वाली को सेट करना है। हेलो गए, और अब तुम दोनों भी जाओ प्लीज, कल सुबह जल्दी निकलना है। गुड नाइट। ए हेलो हेलो, एक मिनट, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, आलो को क्यों जाने दिया तुमने।
तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में है। तुम्हें थोड़ा रिझाना था ना आलोक को, थोड़ी जुल्फे झटकाती, थोड़ा रोमांस करना पड़ेगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना आलोक जैसा सीधा शरीफ आदमी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, थोड़ा फिसलवाना पड़ेगा। अरे क्या फायदा इतने 26 की उम्र का कि तुम 32 साल के इंसान को रिझाना पाओ। हाँ यही तो था कॉन्ट्रैक्ट में, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो कभी। ये लड़की ना मरवाएगी हम लोगों को। चल अंदर बुला लिया मीटिंग के लिए, चल चल। इसने तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड कर दिया, क्या ये अब क्या होगा? देखा लिया, अब एक ही रास्ता है, तू आलोक को सब कुछ सच सच बता दे। हाँ तूने सारे रास्ते आजमा कर देख लिए ना, हाँ कुछ भी नहीं हुआ। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि तू आलोक को सब सच बता दे। ना ना सारा मामला बिगड़ जाएगा। आलिया तू अभी कौन सा बन रही है यार? हाँ वो भी है। नहीं नहीं इतनी बड़ी बात मैं नहीं बता सकती। आलिया रुक, आलिया सुन मेरी बात, सुन ना। कभी ना कभी तो आलोक को एक बात बतानी पड़ेगी ना, आखिर में शादी किसको करनी है? आलोक को। हाँ ना ना मैं ना बता सकती। अबे रुक रुक, तू तू ना बताएगी तो क्या मैं बताऊंगी? ऐसे क्या देख रही है तू मुझे? अब तू ही बताएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? ना दिमाग तो खराब है लेकिन बताएगी तू ही। मैं नहीं बताऊंगी, मैं तुझे बताना पड़ेगा। मैं क्यों बताऊं? अरे प्लीज मैं नहीं बताऊंगी, मैं तुझे बताना पड़ेगा। अरे इतना सही तो कहना है कि मैं मरने वाली हूँ। मैं नहीं बताऊं, ऐसे मत कर प्लीज, देख तुझे बताना पड़ेगा। अरे आ गए, खुश रहो मेरा बच्चा। मामा आ गई, मामा आ गई। रोहन कैसे गए आपके दो दिन? दादी और नानी ने बोर कर दिया। रोहन इसे नहीं बोलते। ठीक है बोल दो अपनी मम्मा से, सर्कस सिखवा दे हमें, दिखा दिया करेंगे। चलो अब बताओ, एक तो ख्याल रखो। क्या रोहन डांट पड़वा दी? ऐसे नहीं बोलते ना, कितनी बार बताया है। आलोक सुनो ना, तुम मुंह हाथ धो लो, राबी आ रही है, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वो आ रही है ना, तो वो खुद ही तुम्हें बता देगी। हाँ तुम मुंह हाथ धो लो। ठीक है। आलोक वो ना वो एक बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा है क्या? बिस्किट? हाँ पर बात क्या है? बात कुछ नहीं, अरे अच्छा लगा मैंने खा लिया। अरे लेकिन बात क्या करनी है तुम्हें? हाँ बात 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 वो बात ऐसी है आलोक कि वो ना वो मरने वाली है। क्या? कौन मरने वाला है? वो एक और औरत है, औरत तो उसकी दूसरी शादी। क्या औरत दूसरी शादी? सब क्या बोल रही हो राबिया तुम? हाँ मैं कह रही थी कि मुझे काम है, मैं घर जा रही हूँ। आलू ये राबिया किसके मरने की बात कर रही थी? आलोक वो एक फ्रेंड है, उसकी बीवी ना थोड़े टाइम में मरने वाली है, लेकिन अपने मरने के पहले वो अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती है ताकि मरने के बाद कोई उसके पति और बच्चे का ख्याल रखे। लेकिन उसका पति इस बात से सरासर इनकार कर रहा है। इसी बारे में राबिया तुमसे बात करने आई थी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स कर लेनी चाहिए, अगर अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए तो जरूर कर लेनी चाहिए। उसकी बीवी बिल्कुल सही कह रही है, और मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसी लेडी को जो अपने जाने के टाइम पे भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रही है। आलिया मुझे सब बता क्या हुआ, मैं तो आलोक को कुछ नहीं बता पाई, तूने सब बता दिया ना? अरे कहा, मैं भी आलोक को कुछ ना बता पाई, लेकिन इतना बोल दिया कि एक फ्रेंड है जिनकी वाइफ मरने वाली है और मरने से पहले वो अपने पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है। तो क्या बोला? वो तो बोले कि सैल्यूट है ऐसी औरत को। सैल्यूट है ऐसी औरत को?
इसका मतलब ना तूने कुछ बताया ना मैं उसे कुछ बता पाई। आलिया आलोक को सच बताना पड़ेगा। हाँ वही तो सोच रही हूँ कि कैसे बताऊं। आज तो अजीब कांड हो गया। अरे आलू आज तो वह बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हो गई यार। अरे वो सत्संगे की वाइफ एक बर्थडे पार्टी के चक्कर में इतना बड़ा इशू कर दिया और मैं वहां अलग ही इशू लेके पहुंच गया। एक बात बताओ तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है इसकी बीवी मरने वाली है, मुझे लगा कि वो सत्संगी है। बाप रे कितना गुस्सा उसकी बीवी में यार, कहां से लाती इतना गुस्सा वो। लेकिन मैं तो बहुत लकी हूं कि मेरी बीवी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। पर ये बताओ आलू कि अगर वो सत्संगी नहीं है तो कौन है। अरे आलू मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ना कौन है वो फ्रेंड जिसकी बीवी मरने वाली है। राबिया से भी बात कर रहा था, उसने भी कुछ नहीं बताया, ऐसी उठ के चली गई। तुम ही बता दो ना, पता चला मैं कंफ्यूजन में फिर कुछ और समझ लूं। अरे बताओ ना कौन थी वो। यार आलू मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओगी। आलू बताओ ना कौन है वो फ्रेंड जिसकी बीवी मरने वाली है। तुम ही हो वो फ्रेंड जिसकी बीवी मरने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो आलू, तुम्हें पता ना मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। मजाक तो मेरे साथ हो रहा है, मैं सच में मरने वाली हूँ। आलू मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। हाँ तुम घबराओ मत, बैठो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ देखो हम अच्छे से डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। हाँ तुम घबराना मत, मैं पूरी दुनिया कर दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। क्या हुआ तुम्हें? हाँ कौन सी बीमारी है तुम्हें? तुमने घर में बताया किसी को? तो मुझसे ये बात क्यों छुपाई अब तक? कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। अरे क्या होकर रहेगा, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं अपनी पूरी सेविंग लगा दूंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम जहां होगा वहां इलाज कराएंगे। हाँ बिल्कुल मत घबराओ तुम। आलोक रोहन जो भी ड्राइंग बनाता है वो सच हो जाती है। क्या? और उसकी एक ड्राइंग के हिसाब से मैं मरने वाली हूँ। ये क्या कह रही हो? हाँ आलोक रोहन के पास ना कोई सुपर पावर है, तो वो जो भी ड्राइंग बनाता है ना वो सच हो जाती है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एक मिनट ये देखो, ये फोटो फ्रेम गिरी हुई ड्राइंग, यहाँ देखो फोटो फ्रेम गिरी हुई ड्राइंग। रोहन ने पहले ड्राइंग बनाई और फिर फोटो फ्रेम गिर गया। ये देखो तुम्हें याद है दूध उबल गया था, हम दोनों किचन में फिसल गए थे, रोहन यहीं बैठ के ड्राइंग बना रहा था और बाहर दूध गिर गया। ये देखो रामलीला की ड्राइंग, रोहन ने पहले ही ड्रॉ करके रखा था कि तुम राम बनोगे और तारा सीता। तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो, एक टीचर हो, ये कैसी बातें कर रही हो? आलोक मैं जानती हूँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, टीचर भी हूँ, लेकिन मैं एक पत्नी भी तो हूँ, एक माँ भी हूँ, बहू भी, बेटी भी, इंसान भी। इसीलिए मैं अपने मरने से पहले तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती हूँ जो मेरे बाद एक पत्नी का प्यार दे, रोहन को एक माँ का प्यार दे, मम्मी और मम्मी जी को मेरी कमी कभी महसूस ना होने दे, घर को भी संभाल लेगी ताकि मैं चैन से मर पाऊँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें और ना ही मैं होने दूंगा, समझी तुम? परे फितूर ना अपने दिमाग से निकाल दो। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने तो मेरे को लड़की भी ढूंढी होगी। हाँ आलोक वो बहुत अच्छी लड़की है, रोहन भी उसे बहुत प्यार करता है, बहुत कंफर्टेबल भी है वो उसके साथ, और वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी अच्छे से। कौन है वो? आलोक वो हमारे घर को भी संभाल लेगी। कौन है वो?
आलोक मम्मी और मम्मी जी उसे बेटी की तरह मानते हैं। कौन है वो आलू? तारा। तारा जी। हाँ आलोक, मैंने तुम्हें और तारा को करीब लाने की बहुत कोशिशें की हैं। तुम्हारी स्कूटर पंक्चर हो गई, तुम अब स्कूल कैसे जाओगी? मैं रिक्शा ले लूंगी। अरे ना ना, आलोक जा रहे हैं ना स्कूल, वो तुम्हें छोड़ देंगे। आइए आपको स्कूल का इंस्पेक्शन मैं और आलिया करा दें। अरे आलोक, तुम तारा को ले जाओ ना इंस्पेक्शन कराने। मैं तुम्हें छोड़ के साथ में फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। तारा तैयार होकर आई है बेचारी, तुम दोनों निकलो वरना तुम्हारी पिक्चर छूट जाएगी। गरम दूध गिर गया तो हाथ जल गया, लेकिन अब बेचारी तारा के माथे पे मैं बाम कैसे लगाऊंगी? तुम लगाओ ना। सब लोग स्विमिंग पूल जाएंगे, तुम भी आ जाना। आलोक वैसे ही स्विमिंग कर रहे होंगे तो तुम्हें मौका देखकर फिसल के आलोक की बाहों में जाना है। तारा जी को पता है सब? हाँ आलोक, मैंने तारा को मना लिया था। बस, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसी हरकत करोगी। तुम्हारे चक्कर में तुमने तारा जी को भी घसीट लिया इसमें। क्या सोचेंगी वो तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में? तुमने बहुत बड़ी गलती की आलिया, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। ना ना, अगर आलोक ने जाकर माफी मांग ली तो रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। नहीं आलोक, आलोक तुम मत जाओ, तुम सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है तो माफी मुझे मांगनी चाहिए ना। मैं तारा से माफी मांगती हूँ, तुम मत जाओ। तुमने आलोक जी को सब बता दिया? हाँ, मैंने बता दिया। मैंने कह दिया कि मैं मरने वाली हूँ और ये भी बता दिया कि जिस लड़की से मैं आलोक की शादी करवाना चाहती हूँ वो तुम हो। आलोक जी ने क्या कहा? वही तो तारा, आलोक ने ना नहीं कहा। मतलब हाँ भी नहीं कहा लेकिन ना भी नहीं कहा। अब जब हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा तो इसका मतलब इनफ आलिया, इनफ। क्या लगता है तुम्हें, तुम जो चाहोगी वही होगा? तुम कुछ भी सोच लोगी और लोगों को मजबूर करोगी कि वो तुम्हारी सोच के हिसाब से चले। तरस आता है मुझे तुम पर, इतना शरीफ पति है तुम्हारा और तुम उसे जबरदस्ती ये समय ढकेल रही हो। सी आलिया, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूं, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। जाओ यहां से, और अगर तुम नहीं गए ना तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। फिर सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लंका भेजा। आलिया इधर आ। एक मिनट। हाँ क्या हुआ? अरे ये तो मैं पूछने आई हूँ, कहाँ हुआ? कहाँ क्या हुआ? अरे आलिया आज तारा स्कूल नहीं आई है। हाँ? मैं सुबह जब उसे हलवा देने गई थी तो वो घर पे भी ना थी, अब स्कूल में भी ना है। वो तारा गई कहाँ? हाँ उसे हमने पकड़ लिया है। नहीं नहीं किसी को भी शक नहीं हुआ है। तारा ने कहा था कि अगर तूने उसे ज्यादा सताया ना तो वो आगरा छोड़ के चली जाएगी। ना ना, अगर वो आगरा छोड़ के चली गई तो आलोक का घर बसने के पहले ही उजड़ जाएगा। नाना बंसी वाले प्लीज, अगर तारा ट्रेन से जा रही हो तो ट्रेन कैंसिल करा दो,
अगर बस से जा रही हो तो बस का टायर पंक्चर करा दो, अब बस उसे वापस भेज दो, मैं उसे कन्विंस कर लूंगी कि वो आगरा में रह जाए, कहीं जाए ना। एक नंबर ऐसा है जिससे तारा के मोबाइल पे बार बार लगातार धुआंधार फोन कॉल्स किए गए हैं और बहुत सारे SMS भी। पता है किस टाइप के SMS? तारा मान जाओ, मान भी जाओ। देखो अगर तुम नहीं मानी तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूं। प्लीज से यस। हाँ कह तो तारा। चलिए अब उस नंबर पे कॉल लगाया जाए। आलिया, ये तो आपका नंबर है। आलिया जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप तारा से हाँ बुलवाना चाहती थी? नहीं नहीं, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, बताइए। इंस्पेक्टर आप सिट डाउन। सिर्फ टीचर्स को ही नहीं, पुलिस वालों को भी डांटने का हक है। बैठिए। बोलिए आलिया जी, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई है? कोई जवाब आपके पास? हमने कहा था ना, हमें इंस्पेक्टर तिवारी और मुजरिम तक पहुंचने की आदत है हमारी। तारा को किडनैप करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो इन्हें। आलोक जी, इनसे कहिए कोऑपरेट करें। आलोक, नहीं। अरे आलिया, अरे अरे रुको। खबरदार, हम अपनी मंडोरा को कहीं नहीं जाने देंगे। एक बार को सूरज रात में निकल सकता है, लेकिन हमारी मडोना कोई गलत काम नहीं कर सकती है। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? हम कह रहे हैं, हम सास चाहे जितनी भी खड़ूस हो, तुम बहु लाखों में एक हो। मम्मी जी, मम्मी, आप लोगों को विश्वास है ना कि आलिया ने कोई गलत काम नहीं किया? मेरा भी विश्वास कीजिए, मैं आलू को कुछ नहीं होने दूंगा। लिख डालो को। चलो। चिंता मत करना आलिया, चिंता मत करना। अरे रुक जाइए, आलिया आ रहा है। आलिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तारा जी को कैसे ढूंढा जाए? एक काम करते, तारा जी का फोटो छपवाते और पूरे आगरा में लगवा देते। हाँ, लेकिन बाबू ये भी तो नहीं पता कि तारा जी खुद गायब हुई हैं या उन्हें गायब करवाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तारा जी का किडनैप हो गया हो? हाँ, पर तारा जी को किडनैप कोई क्यों करेगा? भाई वो देखो, कहीं किडनैपर का आदमी तो नहीं? अरे तुम्हें कैसे पता? हमने नहीं, जीके ने कहा है। तो जीके कहाँ है? वो तो वहां पहुंच गया, वो देखो। अरे मैं तो लॉन्ड्री वाला हूँ। आप ये लॉन्ड्री वाले हैं? तारा जी ने ड्राई क्लीन के लिए साड़ी दिया था, वही लौटाने आया था, पर इन्होंने धो डाला। यार तुम भी बड़े जालिम हो यार। बहुत मारो इसको। सॉरी भाई, मैंने आपका मैथ्स बिगाड़ दिया। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। बात सॉरी, ये लो भाई साहब, ये रसीद। मैं तो संभल के जाना। बहुत मारा, कैसे मारते हो? सॉरी बोला ना। महोदय, आप क्या सोचने लगे, यही के कपड़े किसके घर रखे? अरे इस पर तो गुरुवार की डेट लिखी है, जिस दिन से तारा जी गायब हुई है, और टाइम भी स्कूल शुरू होने से 10 मिनट पहले का है, और इस लॉन्ड्री शॉप और स्कूल के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला है। अरे बाप रे, यानी तारा जी लॉन्ड्री शॉप तक तो पहुंची पर स्कूल तक नहीं पहुंची।
इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो इस एक किलोमीटर के बीच में ही हुआ है। सही कह रहे हैं महोदय। हम एक काम करते हैं, हम एक टीम बनाते हैं और इस एक किलोमीटर के बीच में जितनी भी दुकानें और घर हैं, सब में तारा जी का फोटो दिखाते हैं। हो सकता है हमें कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बिल्कुल सही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।